साथियों, मुझे याद है 4-5 साल पहले तक लोग कहते थे कि त्रिपुरा में दशकों से एक ही सिस्टम चल रहा है, यहां बदलाव संभव ही नहीं है। लेकिन जब त्रिपुरा ने बदलाव करने की ठानी तो त्रिपुरा का विकास रोकने वाली पुरानी सोच को पूरी तरह बदल डाला। अब त्रिपुरा को गरीब बनाए रखने वाली, त्रिपुरा के लोगों को सुख सुविधाओं से दूर रखने वाली उस सोच की त्रिपुरा में कोई जगह नहीं है। अब यहां डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से राज्य के विकास में जुटी है। अब अगरतला और दिल्ली दोनों एक साथ मिलकर त्रिपुरा के विकास के लिए नीतियां बनाते हैं, मेहनत करते हैं और परिणाम लेकर आते हैं। आप देखिए, बीते 4 वर्षों में त्रिपुरा के गांवों में करीब 50,000 परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर बनाकर दिए जा चुके हैं। अब करीब 1,60,000 नए घरों की स्वीकृति दी गई है। एक साथ एक ही बार में जो घर स्वीकृत हुए उनमें से करीब 1.5 लाख परिवारों को आज पहली किस्त भी जारी हो गई है और वो भी एक साथ एक ही बार में एक बटन दबा करके। त्रिपुरा का ये मिजाज, त्रिपुरा की ये स्पीड कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में भी देखने को मिली। 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों में पूरा 100% वैक्सीनेशन करने का रिकॉर्ड सबसे पहले त्रिपुरा ने ही बनाया था और अब त्रिपुरा 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी के भी 100% टीकाकरण के करीब है।